बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, दिस इज योर फर्स्ट फिल्म है आई थिंक। क्या कहना चाहोगे आप इस गाने के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में अब तक की? अब तक की जर्नी तो बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। बहुत सारा जैसे कि मैंने इंडस्ट्री बहुत सारा कंपटीशन है, मैं न्यू कमर हूँ तो बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, कॉम्पिटिशन रहते हैं। मौका मिलना ही बहुत बड़ी बात है और वो भी ऐसा एक गाने के लिए दुष्यंत जी ने मुझे मौका दिया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जिसमें दलेर मेहंदी जी ने गाया है। तो वो भी एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। लॉकडाउन का माहौल था, बड़ा सैड सैड वाला, उसमें दुष्यंत जी का सडनली कॉल आया कि आपको दिल्ली में जाके रिकॉर्ड करना है गाना। तो दैट वे गाई गई में सारी चीज़ें हुई वो टाइम में, और आज रिलीज हो रहा है। हालांकि आप सिंगर भी हैं तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बताया। 2010 में बॉम्बे में आई और मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। तो पहला एक्सपेक्टर इंडिया में मैं पार्टिसिपेट किया मैंने, उसके बाद सुख क्षेत्र करके कलर्स में आया था, तो उसमें इंडिया से टॉप 5 कंटेस्टेंट में थी और अकेली लड़की थी। तो दैट वे वो दुबई में हुआ था पूरा शूट कलर्स और सारा स्टाइल। तो इसके बाद भी कुछ प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो जो आने वाले हैं दर्शकों के लिए? उसके बाद मैंने BGM के प्रोजेक्ट्स किए कुछ, सोनी में आता था भूत आया करके, और फिर फिल्मों के लिए ट्राई कर रही थी। तो फिल्मों के लिए ट्राई कर रही थी। तो इसके बाद भी कुछ और प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके? हाँ, तो कुछ लाइंड अप है। ओके। दुष्यंत जी ने भी और एक गाना लिया है रिसेंटली, मैंने कंपोज करके दिया है। ओके। कुछ और भी है बट वो प्री प्रोडक्शन में है, तो अभी नाम नहीं बोल सकती मैं। क्या प्रोसेस होता है आपका म्यूजिक कंपोज करने का? बहुत से लोग लिरिक्स पहले लेते हैं उसके ऊपर कंपोज करते हैं। डिपेंड करता है, कभी कभी हम धुन बनाते हैं। ये गाने में जैसे कि पहले मैंने धुन बनाया, उसके बाद अजय बाबा जी ने लिखा है ये सॉन्ग का लिरिक्स, तो अजय बाबा जी ने उनको मैंने बुलाया घर पर, सिटिंग हुआ बकायदा, तो करके वो गाना हमने तैयार किया था। और ये 2015 में हमने बनाया। दुष्यंत जी को बहुत अच्छा लगा था गाना, उन्होंने बोला था जब हम फिल्म बनाए तो आपको बुलाएंगे। सीधा 2020 में लॉकडाउन में उनका कॉल आया कि चलो आ जाओ। आपके फेवरेट कंपोजर कौन रहे हैं जिनसे इंस्पायर होते हो आप? जी? फेवरेट कंपोजर कौन है आपके जिनसे इंस्पायर होते हैं? बहुत सारे हैं एक्चुअली। किसका नाम लो, किसका नाम लो, ये ऐसा सवाल आपने कर दिया कि जिसका हाँ कुछ नाम जो आप ले सकते हो, जो जैसे कि रहमान सर है, अमित त्रिवेदी जी है, प्रीतम राय है, तो इनके गाने तो ऑब्वियसली बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके।